ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज गणेश। और ये है हमारी न्यू बाइक, इसको अभी नाम हमने रेबेल ही रखा है यार, क्योंकि शरीर बदल गया है लेकिन आत्मा वही है गाड़ी की, अभी भी समझ लो। दिस इज़ द जिक्सर 250 मैट ब्लैक वाली, गोल्ड स्ट्राइप्स वाली। एंड इनिशियल इम्प्रेशंस यार इतना ही बोलूँगा, बहुत प्यारी बाइक है यार, बहुत प्यारी है एकदम। हैंडल्स लाइक अ ड्रीम बोलते हैं ना, कुछ अलग ही है यार इसका ये। और इसको अभी फ़िलहाल 5000 RPM के नीचे चलाने बोला है। फिलहाल हम लोग एक मालशेज के भी शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं, बोला देख के आते हैं यार गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, घाट्स वगैरह में भी एक फील आ जाएगा कम से कम। ऑल दो अगर मतलब प्रो टिप वन बोल देता हूँ कि अगर आप ब्रेक इन पीरियड में हो अपनी गाड़ी के साथ तो अवॉइड करो घाट्स और ये सब जाना, क्योंकि अननेसेसरी लोड आता है गाड़ी पे घाट्स पे चढ़ते वक्त। और स्टार्टिंग के 1000, 1600, 1500 किलोमीटर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी के लिए। तो हो सके तो हाईवे पर ऐसे चलाओ कि 4000 to 5000 RPM ऐसे, मतलब वैरी करो उसको, बढ़ाओ 5000 तक लेके जाओ और फिर कम कर दो 4000 पे आ जाओ, फिर बढ़ाओ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक लोड पड़ता है, मतलब जो पिस्टन रिंग्स हैं, जो सिलेंडर का जो वॉल है उसका, उनके ऊपर एक अच्छा एक लोड पड़ता है और वो अच्छे से ज़्यादा फ्रिक्शन उनका होता है और बेडन होते हैं वो अच्छे से। आई होप समझ रहा होगा इससे। सो मेरा तो यही है कि 5000, 4000 RPM पे आप खेलते रहो, वेरी करते रहो RPM को, कांस्टेंट RPM पे मत चलाओ गाड़ी, क्रूज मत करो, कांस्टेंटली एक थ्रॉटल का एक लोड दो उस पे और उसको फिर अनलोड करो। थोड़ा माइलेज आपको कम मिलेगा स्टार्टिंग में, इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट माइलेज, मतलब जो फर्स्ट सर्विस होती है तब तक गाड़ी की माइलेज उतनी खास नहीं मिलती अपने को। यही एक रीज़न है कि आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है ना थोड़ा अग्रेसिव होता है इस टाइम पे, थोड़ा आपको अग्रेसिव, ये नहीं बोल रहा हूँ 9000 RPM पे चले जाओ। इनफैक्ट इस बाइक का मैनुअल भी मैं शेयर करूँगा, किसी ने शेयर नहीं किया है, पता नहीं क्यों किसी ओनर ने, इसका मैं पूरा एक PDF बनाकर शेयर करूँगा इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग के 1000 किलोमीटर 5000 के नीचे चलाओ प्यार से एंड वेरी करो, ये भी लिखा है उसमें। और उसके बाद जब आप 1000 से, मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर था शायद, उसमें आपको 7000 या 6000 तक चलाने बोला है। और उसके बाद एक बार आप हो जाते हो तो उसके बाद भी बोला है कि 10000 के नीचे ही चलाओ, लेकिन 10000 का लिमिटर है तो डजंट मेक एनी सेंस स्टिल। सो दिस वाज द अपडेट, यही बताना था, गाड़ी ले चुके हैं। इसके ऊपर अब मैं काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत कम ओनर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं इस गाड़ी पे। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक बिजी होंगे सब अपने कामों में। तो यार अपने पास थोड़ा टाइम है तो अपन बना लेते हैं ना यार वीडियो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं मालशेज घाट पे सीधा, बाय बाय। सो नाश्ता पानी हो गया है यार, थोड़ा ब्रेक ले लिया था, 100 किलोमीटर हो गए थे चलाकर, थोड़ा आराम से ही चला रहे हैं। रोड अच्छा है ऐसा नहीं है, बट थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है आज यहाँ पर। सो या बट सच्ची यार, 6th गियर में 3500 RPM से भी ये गाड़ी पिकअप करती है, बहुत क्लीनली पिकअप करती है। देखना है? करता हूँ मैं, 3000 तक लेके जाता हूँ। सो 3000 RPM इज़ कितना, 47 से भी आपने थ्रॉटल खींचा, एकदम क्लीन उठती है गाड़ी, नो इश्यूज एट ऑल। CBR में ऐसा नहीं था, CBR में अगर आप 4000 के नीचे जा रहे हो तो आपको फील होता है कि इंजन खुश नहीं है, 4000 के ऊपर वो मतलब मज़े है उसके। ब्रेक्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं इसके ब्रेक्स, मतलब एकदम शार्प नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे ड्यूक के होते हैं या फिर CBR 250 ABS के होते हैं, उतने अच्छे नहीं है बट अच्छे हैं, मतलब गुड स्टॉपिंग पावर, कुछ हो गया सामने तो आप रुका लोगे, इतना तो है। और हैंडलिंग की बात रही, एकदम एफर्टलेस गाड़ी, आप सोचो और टर्न हो रही है, इतना आराम से टर्न होती है। मैं बिल्कुल भी अपने बॉडी का वेट या कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस उसको टिप कर रहा हूँ और वो आराम से जा रही है। आई गेस 150 सेक्शन और आगे जो 110 का जो टायर है ये उसका कमाल है, बहुत प्यार से एकदम, कोई टेंशन ही नहीं है गाड़ी को, ये बहुत सही बनाया है यार इसका। सुजुकी ने काम काफ़ी अच्छा किया है गाड़ी पे। नेक्स्ट मैं जो बोलना चाहता हूँ पार्ट की, इसका मैंने फुल टैंक किया था, 100 किलोमीटर चला चुका हूँ और अब इसका एक डंडा कम हुआ है, ठीक है। सो 3/4 टैंक अभी भी बचा है गाड़ी के अंदर और अभी 100 चल चुकी है। तो अगर ये सच में अगर इतना अच्छा माइलेज देगी, अगर सच में जितना जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो ये मेरे हिसाब से 400 किलोमीटर्स तो आराम से पहुँचेगी है, ठीक है।
और 400 किलोमीटर्स विथ 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल, 12 का तो इसका फुल टैंक है। तो अगर ये सच में अगर 400 किलोमीटर 10 लीटर में पहुंच रही है तो भाई 40 का माइलेज दे रही है गाड़ी। हालांकि चला भी ऐसे ही रहा मैं आराम से एकदम, ऐसे कोई बहुत अग्रेसिव नहीं चला रहा हूँ, बट कंसिडरिंग फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है गाड़ी की, गाड़ी इज़ नॉट इवन 100 किलोमीटर्स ओल्ड, अब हुआ 100 उसका, उस हिसाब से भाई बहुत सही बहुत सही। एक अपडेट, इसका क्लच बहुत अजीब है यार। CBR, अगर आपने होंडा CBR चलाई है तो आपको उसके बाद मुझे नहीं लगता ये क्लच अच्छा लगेगा। इवन 150 250 दोनों का क्लच जो है वो अलग ही लेवल पे है यार, इसका क्लच थोड़ा अजीब है, बाइट पॉइंट और जो हार्डनेस है स्टिफनेस है जो क्लच का वो थोड़ा ज़्यादा है मेरे ख्याल से। थ्रॉटल भी काफ़ी स्मूथ है आराम से, आप मतलब सिर्फ इतना भी अगर आप पकड़ते हो थ्रॉटल को तो इससे भी आप भगा सकते हो गाड़ी को, ऐसा पूरा पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब सही है। CBR का ये थोड़ा हार्ड रहता है थ्रॉटल उस हिसाब से, कंफर्टेबल है पोजीशन पे हाथ, मतलब हाथ भी ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस नहीं है। स्टिल मुझे लगता है थोड़ा सा और ऊपर मुझे करना चाहिए 1 inch, थोड़ा इधर आ जाएगा ना मेरे हाइट के हिसाब से अच्छा लगेगा मतलब। बट वायर वगैरह का मुझे चेक करना पड़ेगा कैसा है यहाँ का स्टिफनेस, मतलब स्ट्रेच तो नहीं हो रही है वायर्स। मैंने इसका RPM जो ये है फ्लैशर, इसको मैंने कस्टम सेट किया है कि भाई 4000 पे फ्लैश हो जाना, ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ मेरे को थोड़ा सा और उससे ज़्यादा रेव करना है 5 पहुँचने के लिए बस, उसके बाद फिर मैं वापस छोड़ देता हूँ, वापस 4 पे लाता हूँ, फिर वापस 5 तक लेके जाऊँगा अभी धीरे धीरे। फिलहाल ब्रेक इन पीरियड है तो यही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका टॉर्क इतना अच्छा है, मिड एंड लो एंड टॉर्क, कि मैं बिना मैंने क्लच के मैं आपसे दिन भर बात कर सकता हूँ और ये गाड़ी चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। एज लो एज 40 में भी इसका 6 gear चल रहा है आराम से, एज लो एज 40, और वही गियर पे अगर मैं इसको खींचता चला जाऊँ तो शायद 120 तो आराम से जाएगी। कमिंग टू द स्टिफनेस, सस्पेंशन स्टिफनेस, यस थोड़ा सस्पेंशन हार्ड है, एंड द बिगेस्ट डाउन साइड इज़ इसका सीट जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐसा टेढ़ा है, टेपर्ड है थोड़ा पीछे की तरफ से, तो जितनी बार आप ब्रेक मारते हो आपको आगे भेज देती है। कुशन ठीक ठाक है बट वो जो टेपरनेस है ना उसकी वजह से वो परेशानी हो रही है, बार बार आगे पीछे हो रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा जुगाड़। और कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी तो बताता हूँ यार। ओके VVA kicked in here. So 6th gear है गाड़ी, 4000 RPM, and just look at how it's turning, man. कितना आराम से चल रही है। Oh, Honda, Honda Highness. Thumbs up for that, guys. Thumbs up. So you see how easy this is. This is seriously super easy bike to ride यार। 5000 touch करते करते 77 speed पे आ जाती है, like good cruising speed man, 77, 80 is good cruising speed, and 5000 पे कर पा रही है, मतलब half power पे आप cruise कर रहे हो 80 पे, which is the legal speed limit of India, so best है यार, और क्या चाहिए। थोड़ा अभी इसको ठंडा करते हैं, फिर धीरे धीरे देना शुरू करते हैं वापस power, यार एकदम perfect चल रही है, एकदम मज़ा ही आ जा रहा है एकदम। बोलते हैं ना 155 kg की बाइक है, सबको लगता है कि स्टेबल नहीं होगी, हल्की है, अरे भाई बहुत सही स्टेबल है गाड़ी, मस्त चल रही है एकदम, चिपक गई है एकदम रोड पे ऐसा लग रहा है। आई जस्ट कांट इमेजिन कि SF कितनी चिपक के चलती होगी। फिर थोड़ा इन लोगों को सस्पेंशन पे ट्यूनिंग पे थोड़ा करना चाहिए था, बट वही अगर सस्पेंशन इसका अगर सॉफ्ट हो गया ना इसकी हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी अलग हो जाएगी गाड़ी की। ऑल दो मैं सोच रहा हूँ पीछे का करूँगा मैं, करेंटली मेरे ख्याल से 4 पे सेट है, मेरे ख्याल से मैं 3 पे सेट करके देखूंगा। एंड CBR पे कैसा होता था, चढ़ान चढ़ते वक्त RPM धीरे धीरे 3-3.5 पे आ जाता था, दिस इज होल्डिंग 4500 आराम से, बहुत सही स्प्रॉकेटिंग और गेयरिंग इसकी, मतलब बहुत सही है, ट्यून्ड है इंडिया के हिसाब से, इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। स्लो चलाओ भाई, सिंगल लेन है, जाने तो जहाँ है, सोच समझ के चलाओ आराम से। हैरियर, द ऑसम टाटा हैरियर, चलो बाय बाय। वो
बहुत प्यारी। ओ अमेजिंग यार, क्या क्या है ये व्यू। डैम ब्रो,